Morning students, how are you? I hope you all are fine at your home with your parents. I am also fine here. I am your English teacher, Reshu. I am here to teach you English. Okay, Beta. What had we done? Humne kya kya tha? Yes, we have completed some exercises of chapter 3rd. Okay. So now today is the turn of its next exercises. ओके वी हैव कंप्लीटेड इट्स क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग्स ओके नाउ टुडे इज द टर्न ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज सेड टू हुम, किसने किसको, बोला चैप्टर नेम इज यस द स्टोरी ऑफ जीसेस ओके यू हैव बीन चूजिन टू हैव अ स्पेशल बेबी किसको बोला था ये कि आपको चुना गया है एक स्पेशल बेबी को जन्म देने के लिए द एंजल सेट टू मैरी और मैरी कौन थी मैरी कौन थी जीसस की मदर ओके मैरी वॉज जीसस मदर देन सेकेंड स्टेटमेंट इज I have a stable where you can stay. मेरे पास एक स्टेबल है जहाँ पर आप रुक सकते हैं ये किसने बोला था स्टेबल किसके पास था इन कीपर सो द इन कीपर सेट टू मैरी एंड जोसेफ़ मैरी एंड मैरी एंड जोसेफ़ से इन कीपर बोलता है कि आप लोग यहाँ रुक सकते हैं स्टेबल में रुक सकते हैं डू नॉट बी एफ्रेड आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ये कौन बोलता है कि डरो मत द एजल सेट टू द शेपर्ड जब शेपर्ड अपने शीप को ग्रेजिंग करा रहे थे मीन्स जब वो उनको घुमाने के लिए या फिर घास खिलाने लेके जाते हैं तो वो ऊपर देखते हैं हिल साइड पर कि बहुत तेज़ से एक रोशनी होती है और फिर एक एंजल बोलता है कि उसके पास कुछ गुड न्यूज़ है कि भगवान के बेटे का जन्म हो चुका है ओके okay? और वो उनको बैथलम में मिलेगा इन द ब्लैंक्स मैरी एंड हर्जबेंड जोसेफ लिव्ड इन कहाँ पर रहते थे मैरी एंड जोसेफ नज़रत कहाँ पर नजरत ओके हैड टू गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी टू कहाँ पर उन्हें लॉन्ग जर्नी पर कहाँ पर जाना पड़ा था कौन सी सिटी बैथलीम कौन सा कहाँ पर बैथ्लेम देन मैरी वॉज टू कॉल हर सन क्या बोल बुलाती थी वो अपने सन को जीसेस ओके देन मैरी वॉज वेरी क्या हो गई थी मैरी जब उन्हें ज़रूरत पड़ी थी आराम करने के लिए तो वो कोई जगह ढूंढ रहे थे Tired जब हम थके होते हैं तो हम क्या बोलते हैं अपने आप को आई एम वेरी टायर्ड टूडे मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ आज देन मैरी वॉज वेरी टायर्ड एंड नीडेड अ प्लेस टू स्टे मैरी बहुत ज़्यादा थकी थी और उन्हें एक स्थान की ज़रूरत थी जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रुक सकें रह सकें जिससे कि वो उनकी थकान थी थोड़ी दूर हो जाए फिफ्थ वन इज द इन कीपर हैड आ स्टेबल वेयर ही कैप्ट जहाँ पर वो किस को रखता था वेयर ही कैप्ट एनिमल्स जहाँ पर वो एनिमल्स को रखता था है नू विल डू इट इन योर बुक ओनली ओके ओनली क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग यू विल डू इन योर नोट बुक रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज यू ऑल विल डू इन योर बुक ओके okay. now द एक्सरसाइज ऑफ सम मोर प्रॉपर नाउ पेज नंबर ट्वेंटी सेवन ओके ट्वेंटी सेवन पेज नंबर पे ये एक्सरसाइज है और ये आपको अपनी बुक में ही करनी है व्हाट इज़ योर नेम डू यू नो क्या नाम है आपका आप जानते हैं येस सो सभी लोग जानते हैं कि उनके क्या नेम है सो माय नेम इज़ सो एंड सो लाइक माय नेम इज़ रेशू देन आई आई राइट हेयर रेशू माई नेम इज़ रेशो क्योंकि मेरा नाम रेशो है मैंने यहाँ पर लिखा माई नेम इज रेशू देन विच सिटी डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं आई लिव इन बिजनौर मैं बिजनौर में रहती हूँ तो मैंने लिखा है आई लिव इन बिजनौर आप मंडावर रहते हैं देन यू कैन राइट हेयर आई लिव इन मंडावर सेकेंड थर्ड थर्ड क्वेश्चन इज मा वॉट इज़ योर फादर्स नेम आपके पापा का क्या नाम है पता है ना आपको सो यू कैन राइट हियर माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर जो भी आपके पापा का नाम है वो आपको यहाँ लिखना है देन चैप्टर फोर वॉट इज़ योर मदर्स नेम आपकी मम्मी का क्या नाम है माई मदर्स नेम इज़ मिस जो भी आपकी मम्मी का नाम है वो आपको यहाँ लिखना है ओके देन फिफ्थ क्वेश्चन इज वॉट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल आपके स्कूल का क्या नेम है माई स्कूल नेम इज़ मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल मंडावर ओके सो यू कैन राइट योर स्कूल नेम हियर योर एच डब्ल्यू इज डू इट इन योर बुक एंड लर्न इट आपको ये सब अपनी बुक में करना है आपको लर्न करना है टिल देन बाय Bye -bye, बेटा टेक केयर स्टे सेफ स्टे होम थैंक यू